हाय फ्रेंड्स, ये देखिए आप लोगों में से एक सब्सक्राइबर का भेजा हुआ है, ये 50 वाट का एम्पलीफायर है एल्गिन कंपनी। हालांकि एल्गिन कंपनी बेस्ट मानी जाती है और अच्छी क्वालिटी की कंपनी है, सामान भी बहुत ठीक ठाक देती है। तो ये 50-55 वाट के लायक सब ट्रांसफार्मर ठीक है। ये ड्राइवर ट्रांसफार्मर से आप 250 वाट तक ट्रांजिस्टर को ड्राइव कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत होने वाली बात नहीं है। इस एम्पलीफायर का पूरा कनेक्शन करना है तो हम बस बहुत जल्द एक फुल कनेक्शन एम्पलीफायर का वीडियो लाने वाले हैं। वो वीडियो लगभग 30 मिनट से ऊपर की होने वाली है, तो कुछ शूटिंग हो चुका है, कुछ बाकी है, तो आप थोड़ा सा वेट कीजिए। और इसमें जो भी समस्या है उस वीडियो को देखकर आप रिपेयर कर सकते हैं। इसके पार्ट्स जो भी पुराने हैं, इसको अगर आप इच्छुक हैं रिपेयर करने के, तो ये जो 30-55 है इसको चेंज कीजिए या 37-73 लगाइए। और ड्राइवर ट्रांजिस्टर का वाइसिंग वोल्टेज जो बनाया हुआ है, ये रेजिस्टेंस से आप 7805 से बना लीजिए। और छोटा छोटा पार्ट में करके तो मैंने सभी टाइप का वीडियो बना दिया है, लेकिन फुल रिपेयर कनेक्शन का वीडियो आएगा और बहुत ही जल्द आएगा, क्योंकि बहुत सारा कमेंट्स और व्हाट्सएप पर भी आप लोग यही बोलते हैं कि फुल रिपेयर दीजिए, चाहे वो 1 घंटे कहीं क्यों ना हो। तो उस पर हम काम करना शुरू कर दिया है। सबसे पहले एक एक कनेक्शन को बताना ज़रूरी होता है। जैसे सबसे पहले मेन पावर ट्रांसफार्मर का कनेक्शन, उसके बाद कंडेंसर डायोड का कनेक्शन। ठीक उसी तरह से ये जितने भी पुराने ट्रांजिस्टर है, इसको आप हटा करके बारी बारी से एक एक पार्ट का वीडियो मैं बना चुका हूँ, उसको देखकर इसको रिपेयर कर सकते हैं। इस ट्रांजिस्टर को अगर आप 37-73 में कन्वर्ट करते हैं इस एम्पलीफायर को, तो यही एम्पलीफायर आपको 100 वाट तक काम करेगा। और 30-55 और 37-73 में क्या अंतर है, मैंने इस पर 2 वीडियो पहले से ही बनाकर डाला हुआ है, आप देख सकते हैं। इस PF का क्या यूज है, इस पर तो हमने अभी वीडियो नहीं बनाया। चलिए मैं कोशिश करूंगा कि शाम को या कल वीडियो इसके बारे में दूंगा। और ये रेजिस्टेंस से बाइसिंग वोल्टेज बनाया गया है और एक ये कंडेंसर लगाया गया है जो कि ड्राइवर ट्रांसफार्मर के लिए है। और इस ड्राइवर ट्रांसफार्मर का जो ट्रांजिस्टर चलाता है 30-55, वो ज़रूरी नहीं है कि 30-55 ही चलाएगा, उसके लिए 62-92 30-55 जो पैकेज प्लास्टिक पैकेज वाला होता है उससे भी आप चला सकते हैं। तो उसको हम आज शाम को वीडियो बनाकर जो दिखाएंगे देख लीजिएगा। 62-92 से हमने उस ड्राइवर ट्रांसफार्मर को चलाया है। इस आउटपुट लेवल का भी कनेक्शन हम बता देंगे। इसको आप 4 ओम से 104 ओम जो होता है पीछे कॉमन 4 ओम 8 ओम, आप 4 ओम से भी इस LED को ग्लो कर सकते हैं, या फिर 8 ओम से भी या 16 ओम से भी, उसके हिसाब से रेजिस्टेंस का मैचिंग होना ज़रूरी है, नहीं तो ये बल्ब चल जाएगा। तो आज शाम को ज़रूर वीडियो देखिएगा। एक फुल रिपेयर, बस नॉर्मली रिपेयर का मैं पूरा कनेक्शन दिखाने वाला हूँ। और यहाँ देखिए PF नहीं लगेगा, ड्राइवर ट्रांजिस्टर का जो बेस कलेक्टर इमीटर, इसमें PF बेस और कलेक्टर से कोई टचिंग नहीं होगा। और पावर ट्रांजिस्टर में बेस और कलेक्टर से 104 नंबर का PF लगता है। इस कंडेंसर का काम है इस ड्राइवर ट्रांसफार्मर को करेक्ट वोल्टेज देना, ताकि वोल्टेज कम होने पर एम्पलीफायर लोड पर दबे ना, क्योंकि ड्राइवर ट्रांसफार्मर अगर लोड पर दबेगा तो आवाज़ फटेगी, आवाज़ साफ नहीं आएगी। तो उसके लिए यहाँ कंडेंसर लगाया गया है। ये सिर्फ ड्राइवर ट्रांसफार्मर के लिए कंडेंसर है, पावर कंडेंसर यहाँ पर है देखिए। तो यही रहा इस एम्पलीफायर का कनेक्शन और इसकी जानकारी। मैं कोशिश करूँगा आज शाम को इसके बारे में फुल डिटेल दूँ, तो आप शाम को वीडियो ज़रूर देखिएगा। चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं शाम को एक नई वीडियो।